हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो वेलकम एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवी, जहां पे आपको मिलती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस और बाइनरी और फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, लाइव ट्रेडिंग और बहुत कुछ। सो गाइस, एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं, यानी हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, अभी ज्वाइन हो जाना है। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे नहीं है तो बहुत कुछ मिस करेंगे। चलिए आते हैं वीडियो पे। सो गाइज, आज की ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल है। रीजन, क्योंकि आज आपकी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व होने वाली हैं सिर्फ एक इसी वीडियो में। क्या क्या क्वेरीज हैं वो अभी बताता हूँ। सो गाइज, आप लोगों को पता है बहुत सारे स्कैम रन होते हैं इंटरनेट पे, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको इंडिकेटर मिलेगा, जिस इंडिकेटर में आपको 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, 99% एक्यूरेसी मिलेगी, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिकेटर जब आप यूज़ करते हैं, एज अ गाइड आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आपको अपना दिमाग, एक्टिव ब्रेन वहाँ पे यूज़ करना होगा। मार्केट ट्रेंड्स और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ करनी होगी। अकेला इंडिकेटर आपकी हेल्प नहीं करेगा कोई ट्रेड विन कराने में, ये चीज़ आप दिमाग में डाल लीजिए। सो गाइज, अब आज की ये वीडियो में क्या स्पेशल है वो ये कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ MT4 का इंस्टॉलेशन किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं PC में, किस तरीके से प्रॉपरली इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप इंडिकेटर इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेरी रहती है लोगों की। यहाँ पे एक सबसे बड़ी क्वेरी ये भी आती है कि आप MT4 में अकाउंट नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि आप उनके ऑथराइज्ड ब्रोकर नहीं हैं। और ये क्वेरी बहुत लोगों की आती है, क्योंकि मैं जो हूँ ऑथराइज्ड हूँ MT4 से, इसलिए मैं आसानी से बना पाता हूँ अकाउंट। और सेम प्रॉब्लम आप लोगों को फेस होती है जब आप आते हैं डेमो अकाउंट क्रिएट करने में, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आपको ऑथराइजेशन में। तो वो भी चीज़ आज की वीडियो में क्लियर होगी। और आपको एक MT4 का इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा इंडिकेटर है और बहुत ही इजी टू यूज़ है। और ये इंडिकेटर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यानी फ्री में मैं देने वाला हूँ, लेकिन इसका यूज़ क्या है देखने के लिए, समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं इस चीज़ से कि आपको MT4 को इंस्टॉल किस तरीके से करेंगे आप अपने PC में, यानी पर्सनल कंप्यूटर में या लैपटॉप में। सो गाइस, अपना सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिएगा अपने PC को, पहली चीज़ तो यह कर लेनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, सर्च करना है गूगल पे ट्रेडजी, यानी TRADIZE MT4 डाउनलोड। ये जब करेंगे तो पहला ही पहला जो लिंक आएगा आपको उस पर कर देना है क्लिक। इतना सा काम करने के बाद आपके सामने खुलेगी एक ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको नीचे जाएंगे अगर थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस डाउनलोड के ऑप्शन से आपको कर लेना है ये एप्लीकेशन को डाउनलोड, जो कि PC में होगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। चूँकि मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखी है, तो मैं आपको इसका इंटरफेस खोल के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम आएगी। अब यहाँ पे इंस्टॉल कर डाउनलोड करने के बाद आप इनकी जो वेबसाइट है वो भी चेक कर सकते हैं, जेन्युइन है और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अब ये एप्लीकेशन है, देख पा रहे होंगे आप, ये एप्लीकेशन है, ये इस तरीके का आइकन आपको मिल जाएगा जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे। तो अभी मैंने इंस्टॉल कर रखी है, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने पर इस तरीके का इंटरफेस आपको फर्स्ट टाइम खुलेगा। यहाँ पर लिखा होगा वेटिंग फॉर सिग्नल, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं अकाउंट्स में जाके, जैसे आप देख पा रहे हैं 3 अकाउंट मेरे लॉगिन है, लेकिन क्या करना है आपको डेमो अकाउंट में लॉगिन करना है, रियल अकाउंट में आपको लॉगिन नहीं करना है, पहली चीज़। क्योंकि अभी आपको इसका नॉलेज नहीं है, आप डेमो अकाउंट में लॉगिन करो, समझ में आना चाहिए पहले कि किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए इसलिए थोड़ा सा जल्दी निपटाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे एक आपको इनवैलिड अकाउंट का एक ऑप्शन एरर या शो होगा, जहाँ पे लिखा होगा इनवैलिड अकाउंट, जहाँ पे कनेक्शन स्टेटस अभी मेरा देख पा रहे होंगे, अभी काफ़ी अच्छा कनेक्शन मिल रहा है। तो ये आपका यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे इस एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे एक एरर आ रही होगी, इनवैलिड अकाउंट आ रहा होगा या लिखा होगा कनेक्शन एरर। तो सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा मस्ट है जब आप MT4 को यूज़ करेंगे, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, किस तरीके से आप इसे यूज़ कर पाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा, उस पर लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट क्रिएट करना है। तो जो डेमो अकाउंट क्रिएट कर पा रहे हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं वो कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पे देखिए ओपन अकाउंट का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर जाके आपको रजिस्टर कर लेना है। बाकी सारी हेल्प जो है ये वेबसाइट वाले आपकी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है कर लेना, बाकी यहाँ पे ध्यान रखना आपको रियल अकाउंट नहीं, आपको जो चूज़ करना है वो चूज़ करना है डेमो अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंट लॉगिन करने के बाद इंटरनेट कनेक्शन कर लेना है ऑन। स्टार्टिंग से बताता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे एक इंडिकेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो इंडिकेटर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वही इंडिकेटर आप किस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आएंगे, तो आपको क्लिक करना है फाइल पे, और उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू चार्ट पे। जैसे ही न्यू चार्ट पे क्लिक करेंगे, करेंसीज आपकी खुल जाएंगी जो मेजर करेंसीज हैं। जैसे मैं ऑड USD को खोल लेता हूँ, इस तरीके का चार्ट ऑड USD में आ जाएगा।
लास्ट तक देखना वीडियो को। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे अगर वीडियो बंद कर देंगे तो इस एप्लीकेशन की सेटिंग्स आपको नहीं मिलेंगी, यानी यहाँ के पूरी एप्लीकेशन को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। बाकी एक बात और, जो इंडिकेटर है जो आपको देने वाला हूँ मैं, ट्रेंड्स मैजिक इंडिकेटर का नाम है और कस्टमली डिज़ाइंड है। यानी ये जो इंडिकेटर है इसको जो है अब क्या बोलते हैं, ट्रेंड चेंज करता था ये इंडिकेटर, मतलब अपना जो है साथ में चेंज होता था, पेंट था ये। इसको रिपेंट करने के लिए थोड़ा सा, मतलब नॉन रिपेंट करने के लिए मैंने इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस किए हैं, जिसके बाद ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसीलिए लास्ट तक देखना। और अब पहली चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपको इंस्टॉल कैसे करना है इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर इंस्टॉल करने के पहले, आपको इस इंडिकेटर इंस्टॉल करने से पहले प्रोसेस बताता हूँ कि ग्राफ को कैसे चेंज करना है, क्योंकि ये ग्राफ अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, टाइम फ्रेम भी आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है। सबसे पहले काम करना है, यहाँ पे करना है आपको राइट क्लिक, नीचे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है प्रॉपर्टीज़ का, उस पर जाना है आपको। यहाँ पे बैकग्राउंड के ऑप्शन को आपको कर देना है वाइट, जो कि मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ इसको, अब आप अपने चॉइस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फॉरग्राउंड ऑप्शन को आपको कर देना है ब्लैक, ठीक है। बाकी आप इसको ना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को किस हिसाब से सुटेबल लग रहा है मैं उसे चेंज कर रहा हूँ। बार अप को आपको लाइम रखना है, बार डाउन को आपको कर देना है रेड, ठीक है, एक सुटेबल रहता है लोगों को समझने में। बुल कैंडल को आपको कर देना है लाइम कलर का, और बियर कैंडल को आपको कर देना है रेड कलर का, ठीक है। इतनी सेटिंग कर ली, अब आपको जाना है कॉमन वाले पार्ट में। शो ग्रिड वाले ऑप्शन पे आपको अनटिक कर देना है, यहाँ पे ये टिक होगा, इसको अनटिक कर देना है। गाइज एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर अगर आप अभी जो है इसको समझ नहीं पा रहे, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ मैं, तो आप पॉज कर करके वीडियो को समझ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी अगर सारी चीज़ें मैं कवर करने बैठा तो, बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैंडल स्टिक पैटर्न्स को मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली, आप चाहें तो लाइन चार्ट या बार चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब ओके कर देते हैं, ओके करने पे ये इंटरफेस हो जाएगा, चेंज हो गया। अब ऊपर जाना है, ऊपर जाके यहाँ पे एक मिनट टाइम सेट कर देना, टाइम फ्रेम एक मिनट कर देनी है, टाइम फ्रेम एक मिनट हो गई। अब यहाँ पे इसको जूम कर लेना है, ठीक है। ये जो इंडिकेटर है बेसिकली, अब लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि इंडिकेटर जो आपका है ये प्राइस एक्शन पे वर्क करता है, या बेसिकली इसका बेस क्या है, किस तरीके से ये काम करता है ये इंडिकेटर। तो उन लोगों को बताना चाहूँगा, गाइज ये जो इंडिकेटर है ये प्राइस एक्शन पे वर्क करता है, आपके प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने ट्रेंड्स को चेंज करता है, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि आपको भी पता है जो चीज़ प्राइस एक्शन से रिलेटेड है, अगर आपको पता है आप एक ट्रेडर हो, आपको पता है प्राइस एक्शन क्या होती है, तो प्राइस एक्शन से अगर कुछ भी चीज़ रिलेटेड है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे हलचल, किस तरीके से ये मूवमेंट ले रहा है, क्यों, क्योंकि अभी ये लाइव चल रहा है, ठीक है, ये लाइव है अभी, क्योंकि मैं एक्टिव हूँ, मेरा कनेक्शन एक्टिव है, तो यहाँ पे ये स्टेटस एक्टिव में है। अब अपने हमें जैसे क्या करना है, अब मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से यहाँ पे आप इंडिकेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो इंडिकेटर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले जाना है फाइल के ऑप्शन पे, यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे ओपन डेटा फोल्डर, इस पे करना है क्लिक। यहाँ पे जाने के बाद एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे MQL4, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक इंडिकेटर्स का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है। जो फाइल आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में उसको अनजिप करनी है पहले, अनजिप करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है विंडो को। विंडो को रिफ्रेश अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं करते हैं रिफ्रेश तो भी कोई बात नहीं, आपको सिस्टम को बंद करके, यानी इसको क्लोज करके दोबारा से चालू करना है। आप एक काम कीजिएगा, रिफ्रेश छोड़ दीजिएगा, आप इसको बंद करके आपको दोबारा चालू करना है। इससे क्या होगा, अगर आप इसे बंद करके दोबारा चालू करेंगे तो जो इंडिकेटर है वो सेट हो जाएगा बैकग्राउंड में, उसके बाद आप इसे यूज़ करेंगे तो अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो आपको अभी तक की सेटिंग समझ आ गई होंगी। अब अप्लाई करते हैं उस इंडिकेटर को। तो इंडिकेटर का नाम है जो कि आज का हमारा ट्रंप कार्ड है, उसका नाम है ट्रेंड्स मैजिक। गाइज उम्मीद करूंगा कि अभी तक वीडियो देख रहे होंगे और पसंद आ रही होगी वीडियो, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की सॉल्व हो गई होंगी, क्योंकि ट्रेडिंग एक नेक्स्ट लेवल पर हम लेके जा रहे हैं, जो चीज़ कोई रिवील नहीं करता है। बाकी लाइक आपने यार अभी तक कर दिया होगा, उम्मीद करता हूँ। यार नहीं किया है तो सीरियसली जेन्युइनली अभी पॉज कीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार उससे बहुत मोटिवेशन इंक्रीज होगा और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आ सकूँगा फ्यूचर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है, मैंने इंडिकेटर इंस्टॉलेशन आपको बता दिया किस तरीके से करना है। एक बार आप इसको बंद करेंगे जैसे ही वापस ओपन करेंगे इस एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे एक इंसर्ट का एक ऑप्शन देख पा रहे हैं। इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इंडिकेटर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स दिखेंगे, ये एक्चुअली मेरे खुद के इंडिकेटर्स हैं, और भी काफ़ी हैं बट अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको जो है कस्टम पे क्लिक करना है, ठीक है। कस्टम पे क्लिक करके नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको ट्रेंड्स मैजिक के नाम से एक इंडिकेटर मिलेगा,
जो आपके में इतने सारे नहीं होंगे तो आपको ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रेंड्स मैजिक के नाम से इंडिकेटर मिलेगा, उसको ओके करना है, फिर वहाँ पे एक और ओके कर देना है। अब ये लाइन आ गई है, अब लोगों को, अब आपको लग रहा है ये लाइन बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी सा आपको लाइन दिख रही है, ये आपको लग रहा है कि क्या है ये ड्रॉ जो कर रखा है, लेकिन बेसिकली इसके पीछे का सिनेरियो आप लोगों को नहीं पता। अब ट्रेंड्स मैजिक कैसे काम करता है, ट्रेंड्स मैजिक का काम करने का तरीका क्या है ये बताता हूँ आपको हल्का सा यहाँ पे कुछ। हाँ आप एकदम लाइव पे चलते हैं, चलो मैं हिस्ट्री चेक नहीं कराते हैं, हिस्ट्री चेक करने में हल्का सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सिस्टम में, शायद सिस्टम एरर है, बट नो प्रॉब्लम, हम लाइव पे चलते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये ट्रेंड चेंज करता है वो ध्यान रखना है आपको। अब देखिए ये ब्लू कलर की लाइन देख पा रहे होंगे आप, ब्लू कलर की लाइन अगर आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आपको जो ट्रेड लेनी है 1 मिनट की में मत लेना, आप 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इस तरीके से ट्रेड लेना। अब बाइनरी की बात करते हैं, बाइनरी में भी बहुत हेल्पफुल है, फॉरेक्स में भी बहुत हेल्पफुल ये इंडिकेटर है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे ट्रेंड्स मैजिक के जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे टाइम और वैल्यू दिखा रहा है 4:52। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन जब तक भी बनेगी तब तक ऐसा समझ लीजिए कि जो मार्केट रहेगा इस ब्लू कलर की लाइन से ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इस मार्केट जो है अभी, ये जो कौन सी करेंसी ओपन है, ये जो करेंसी है ऑड USD ओपन कर रखी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर ओपन है। तो अब जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं, ये जो मार्केट है इस पर्टिकुलरली लाइन के हमेशा ऊपर ही रहने वाला है, नीचे नहीं जाएगा। नीचे जो गया भी है तो ये थोड़ी टाइम के लिए जाएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ पे आपको 1 मिनट की ट्रेड नहीं लेनी है। अगर ये कैंडल्स को चेक करोगे आप, एक कैंडल यहाँ पे 1 मिनट की है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी अगर 5वें मिनट को आप देखोगे तो ट्रेड वापस ऊपर जानी स्टार्ट हो गई है, कैंडल वापस चेंज हो गई है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है 5 मिनट की, लो तो ज़्यादा फायदेमंद होगी। यहाँ भी चेक करोगे तो इस ब्लू लाइन के नीचे ट्रेंड गया है, लेकिन कितनी बार गया है, कितने मिनट के लिए गया है, 1, 2, 3, 4 और 5वें मिनट फिर से ऊपर गया है। तो यानी अगर आप यहाँ पे अल्टीमेटली देखा जाए तो एक 5 मिनट की ट्रेड एक पावरफुल वेपन हो सकती है आप लोगों के लिए। अब आते हैं रियल टाइम पे, तो रियल में हमें ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है ये सॉफ्टवेयर कि ये जो लाइन बनी है ट्रेंड लाइन, यानी ये जो पॉइंट है प्राइस एक्शन का टॉप जो पॉइंट है, इसको क्रॉस करके अभी तक ट्रेंड नीचे नहीं गई, इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं गई है। जैसा कि मैंने आपको कहा है, ये रिपेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं, नॉन रिपेंट सॉफ्टवेयर है, ये रिपेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब रिपेंट इंडिकेटर नहीं है। बेसिकली ये जो इंडिकेटर है आपको मार्केट में अगर आप ढूंढते हैं मिलेगा, ट्रेंड्स मैजिक के नाम से कहीं भी मिल जाता है आपको, तो ये आपको जो मिलेगा वो रिपेंट सॉफ्टवेयर मिलेगा, मतलब वो ट्रेंड्स जो है चेंज करेगा, चेंज अपने आप अपने अकॉर्डिंगली वो चेंज करेगा। बट ये जो है कस्टमली चेंज किया गया है यार हमारी टीम के और मेरे द्वारा, तो इसीलिए ये जो इंडिकेटर है काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे चेक करेंगे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है मार्केट के अंदर, हमारी जो ट्रेंड लाइन सेट है ये देखिए, ये सेट कर रखी है इसने, और अभी इतने मूवमेंट के बाद भी ये ट्रेंड लाइन चेंज नहीं हुई है, जो कि साफ तौर पे आपको ये दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते या फिर अगर आप यहाँ भी ट्रेड लेते हो डाउन के लिए, तो डेफिनेटली आप जीतने वाले हो अगले 5 मिनट के लिए। बेसिकली ये जो ट्रेंड है यानी ये जो इंडिकेटर है इस तरीके से वर्क करता है। कोई भी क्वेरी हो यार इससे रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर जाने लग गया है इस लाइन से, अगर अगर ये जेन्युइन इंडिकेटर नहीं होता तो यहाँ पे ये रिपेंट अगर होता तो यहाँ पे चेंज हो जाता, बट यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि नॉन रिपेंट सॉफ्टवेयर, नॉन रिपेंट इंडिकेटर है। अब देखिए कितनी ऊपर चली गई है, कितना ऊपर चला गया है ये, लेकिन अभी भी ये जो इंडिकेटर है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर लाइन से नीचे ही रहने वाला है, तो नीचे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आपको लगेगा, जैसे इस इंडिकेटर को लगता है ट्रेंड चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पे इस इंडिकेटर को लगा कि ट्रेंड चेंज होगा तो इसने जो है कलर चेंज कर दिया। जैसे ही कलर ब्लू बनने लग गया, अगर यहाँ पे आप ब्लू डॉट देख लेते हो ना कि ब्लू कलर के डॉट मिल गया, ब्लू कलर की लाइन है वो अप जाने लग गई है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ट्रेंड ऊपर की तरफ लेने स्टार्ट कर देना है। अभी भी चेक कर पा रहे होंगे, अभी भी ये इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया है, लास्ट जो क्लोज हुई है वो भी इस प्राइस एक्शन, जो जिस प्राइस एक्शन पे क्लोज हुई है वो भी इसको क्रॉस नहीं कर पाया। हाँ हालांकि थोड़ा सा ऊपर जाना जरूर स्टार्ट हो गया है, लेकिन चलो मिनट 5 मिनट का अगर आप वेट करेंगे तो वो वापस नीचे आ जाएगा। जब तक ये ट्रेंड नहीं चेंज करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। बाकी एक बात और बता देता हूँ, एक स्ट्रैटेजी, अगर ये इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंडिकेटर को यूज़ करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपको लगे कि आपका जो प्राइस एक्शन का लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेंड लाइन जिसको बोलते हैं, ये लाइन को अगर आपको लगता है कि ये जो कैंडल्स हैं, जैसे कि अभी कैंडल क्रॉस करने लग गई थी इस लाइन को, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है अगली कैंडल्स के बनने का। आप देखिए ये इंडिकेटर किस हद तक सक्सेसफुल है आप खुद ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे जो ट्रेंड है कितना ऊपर गया था, और लोगों को लगता था जो रीपेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, रीपेंट इंडिकेटर होते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर लेंगे अपना। बट ये जो है देखिए, ये भी चेंज कर लेगा अपना ट्रेंड, लेकिन इसने क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई इसके पीछे हमारी थोड़ी सी कलाकारी है। ठीक है गाइज, और उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी आप लोगों को। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है, और इंडिकेटर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे पर्सनली आप मैसेजेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वीडियो कैसी लगी यार ज़रूर बताना डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। और जैसा कि हमारा अभी भी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही नाइसली वर्क कर रहा है ये इंडिकेटर, और ऐसा ही वर्क करता है, क्योंकि बिना बिना एक्सपीरियंस के, बिना कुछ सर्च किए, बिना कुछ अच्छा सा मटेरियल के मैं आप लोगों के लिए नहीं लेके आता हूँ। बहुत रिसर्च और बहुत सारी चीज़ें लगती है एक इंडिकेटर या एक वीडियो को बनाने में। चलिए मुलाकात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।